हम डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हैं, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर शुभम हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अंजय, मैं डॉक्टर जावेद, डॉक्टर बानू एंड सारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू से हैं। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बेस पे है जो असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सीनियर रेजिडेंट, उसके बेस पे जो गवर्नमेंट ने हमें असेसमेंट क्राइटेरिया दिया है, उसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जो कि हम सारे बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नीट क्वालिफाई करके आए थे वो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बच्चे करके आए, जो बाहर से, नेपाल से, मणिपाल से, रशिया से, यूक्रेन से, उन बच्चों की जो MBBS के परसेंटेज के बेस पे ये क्राइटेरिया बनाया, उनके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। जो GMC जम्मू, GMC श्रीनगर स्कीम्स और बत्रा मेडिकल कॉलेज जो जम्मू के यूटी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, इनके जो MBBS पास परसेंटेज है 50 रखी हुई है। मैक्सिमम बच्चों के 50 से 60% के बीच में पास परसेंटेज होती है और उसी के बीच में उनको मार्क्स मिलते हैं। उस बेस पे इन्होंने मैक्सिमम पॉइंट जो 50 पॉइंट है वो MBBS के मार्क्स को दिए, बाकी जो पॉइंट 25 पॉइंट्स दिए हैं उसमें रखा है फर्स्ट पोजीशन इन पर्टिकुलर ईयर, लेकिन के फर्स्ट ईयर MBBS में फर्स्ट पोजीशन चाहिए, सेकंड ईयर MBBS में, थर्ड ईयर में और फाइनल। ओवरऑल यहाँ पे कभी कन्वोकेशन नहीं होती थी, किसी भी बच्चे को पोजीशन नहीं दी जाती थी, सबको एक एवरेज मार्क्स दिए जाते थे। उस बेस पे कोई MCQ बेस्ड ये एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ एक असेसमेंट रखा है ऑन द बेसिस ऑफ MBBS, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं काउंट किए, वो डिग्री काउंट नहीं की है, उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया है, तो ये सारी असेसमेंट जो है ये इसके खिलाफ, मतलब ये नहीं है, किसी भी एलिजिबिलिटी में नहीं आता है। हम ये सारा चाहते हैं कि जैसे एम्स दिल्ली का, PGI चंडीगढ़ का जो फॉलो होता है क्राइटेरिया, जैसे MCQ हो जाते हैं, 80% 80 मार्क्स जो MCQ बेस्ड हो और 20 फिर इंटरव्यू के हो, ये एक फेयर प्रोसीजर होगा सिलेक्शन के लिए। हमारी वही डिमांड है, एक 10 दिन के लिए हम अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद हम सारा स्ट्राइक करेंगे, जिसमें OPD बंद रहेगी, इमरजेंसी सर्विसेज चलती रहेंगे। 10 दिन का हम ये अल्टीमेटम देते हैं गवर्नमेंट को कि इस ऑर्डर को इस रिवोक किया जाए। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 282 JK HME ऑफ 2023 डेटेड 4/4/2023। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे यहाँ एकेडमिक सिलेक्शन होगी, जो रजिस्ट्रार्स की होंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की होंगी, प्रोफेसर्स की होंगी, तो उसको लेके बहुत सारी सेंसलेस और डाउटफुल चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं, जिनके साथ हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। ये चीज़ें हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट डेमोन्स्ट्रेटर एंड ट्यूटर, उस पोस्ट के लिए इन्होंने खाली सिंपल MBBS जो होता है, दैट इज़ काइंड ऑफ ग्रेजुएशन फॉर अस, उसके 75% मार्क्स बस उसके रखे हुए हैं। उस 75% को भी, 75 मार्क्स को भी बीच दो में डिवाइड किया गया है, 50 मार्क्स फॉर वेटेज टू एकेडमिक मेरिट के, जो MBBS के नंबर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के, वो 50 नंबर के हैं। उसके बाद जो 25 नंबर हैं उनको बाद में ब्रेक किया गया है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, कौन सी ईयर में कितनी पोजीशन आई है उसके बेस पे। तो इसमें बात ऐसी है कि जैसे कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मार्किंग पैटर्न होता है वो वेरी करता है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो हमारे यहाँ पे जो मार्किंग सिस्टम है वो बहुत ही कंजर्वेटिव होता है, बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे बहुत लिबरल मार्किंग होती है। जैसे कि कुछ डॉक्टर्स फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं, कोई रशिया से करके आता है, कोई यूक्रेन से आता है, बांग्लादेश, चाइना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उनके ग्रेड्स वो 90% लेके आते हैं वहाँ से, वहाँ बड़ी लिबरल मार्किंग होती है, और यहाँ पे 65% है तो मैक्स कितना भी कर लो उसके ऊपर आते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर बनाना होता है। यहाँ पे वो देखते हैं कि फेल कैसे करें, ना कि पास कैसे करें, इतनी यहाँ स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। जितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर यहाँ पे अभी सिटी में जो लीडिंग डॉक्टर्स हैं उनके भी आप पूछोगे तो किसी के भी शायद 65% से ऊपर हार्डली होंगे, ठीक है। तो फिर ये कैसे, ये इस पैरामीटर के बेस पे आप कैसे इक्वेट कर सकते हो कि कोई कहाँ से पढ़ के आया, कोई कहाँ से पढ़ के आया है। इसको मैं सिंपल भाषा में आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कोई सिविल सर्विस का कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए बेसिक डिग्री ग्रेजुएशन है, तो वहाँ भी कीजिए ना, वहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स भी काउंट कीजिए उसमें, और बाकी इंटरव्यू जो इनको उनका होता है वो पैरामीटर्स उस पर डाल दीजिए। जैसे जुडिशरी का है, कोई बंदा मुंशी बनता है, उसका एग्ज़ाम होता है, उसमें LLB के नंबर भी ऐड कर दीजिए, ये वही हो गया ना। तो ये टोटली सेंसलेस है, इसका इसको हम पूरा बाइकआउट करते हैं। और
उसके बाद जो ये जो दूसरे 25 मार्क्स हैं इसमें तो बस तीन बच्चे कंप्लीट करेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की है। यहाँ तो हमारी पोजीशन सिस्टम है नहीं ना यहाँ पे, तो बस वही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो बचा रहे जो 97% बच्चे, मतलब जो रेस्ट ऑफ द पीपल होंगे, जो तीन लोगों को छोड़ के जो बाकी लोग होंगे, वो उनको तो 25 नंबर में जीरो आएगा, वो तो उससे बाहर हो गए, तो वो कहाँ स्टैंड करेंगे। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी रिवोक किया जाए और इसमें जो भी बाकी की जो है वो इसको थोड़ा सुधारा जाए। और अगर ये अगर ऑर्डर रिवोक नहीं होता है तो हमारी तरफ से 10 दिन का अल्टीमेटम है, नहीं तो वी विल बी फोर्स टू टेक सम हार्ड स्टेप्स, जो हम करना नहीं चाहते क्योंकि इससे बहुत सफरिंग्स बहुत होंगी। और ये खाली मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बोल रहा हूँ, हमारी एसोसिएशन पूरे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं यूटीएफ जम्मू कश्मीर हर जगह वहाँ पे हैं और सबकी यूनिफॉर्म बहुत है। चाहे आप जीएमसी श्रीनगर ले लो, स्कीम्स ले लो, जीएमसी डोडा, कठुआ, उधमपुर, हंडवारा, कोई भी ले लो, वहाँ पे सबकी एक ही बात है और सब जगह ऐसा ये देखने को मिलेगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।